ଗଣମାଧ୍ୟମର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯେଉଁମାନେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର କୋଡ଼ିନେଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ଏହି ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଇନଚାର୍ଜ ଯିଏକି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ବିଷୟଟାକୁ ଦେଖନ୍ତି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାକୁ ଆମର କପିଲ ପରମାରଜୀ। ଆମେ ଏହି ବୈଠକରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଅଛି ସେ ଫେସବୁକ୍ ହଉ ଟ୍ୱିଟର ହଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ହଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଯେଉଁ ମୋଦିଜୀ ଯେଉଁ କଥା ରଖିଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି କିଭଳି ତରସ୍ତରକୁ ଯିବା ବହୁଳ ଭାବେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଏହି ସରକାରରେ ହେଉଛି କେବଳ ଏମାନେ 5G ସ୍କୁଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ବିଲ୍ଡିଂ କେବଳ ରଙ୍ଗ ବୋଳା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଦଦରା ଫାଟି ଯାଉଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଏଭଳି ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। ସେହି ହସ୍ପିଟାଲର କଥା ହେଉ ସେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ରାସ୍ତାଘାଟର କଥା ହେଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଉଜାଗର କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏୱେୟାର କରିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନିୟମ ଅଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯାହା ସରକାର କରୁଛି ତାକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ଅଧିକାର ଅଛି ତାହା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବ ତାକୁ ନେଇକରି ଆଜି ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ଅନୁରୋଧ କରିବି କପିଲ ପରମାରଜୀଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର କଥା କହିବେ। କପିଲ ପରମାରଜୀ आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं आप लोग भी देखते हैं क्योंकि आप मीडिया से हैं जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में भी सरकार है केंद्र में तो मोदी जी की सरकार बहुत बढ़िया काम कर ही रही है लेकिन जहाँ हमारी प्रदेश में भी सरकार है वहाँ अगर आप देखेंगे जो विकास की गति है वो बहुत ही एक्सपोनेंशियल रूप से चल रही है। तो अब समय आ गया है कि उड़ीसा में भी एक बार फिर से उड़ीसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट करें और साथ साथ में यहाँ प्रदेश में भी सरकार बनाने के लिए वोट करें ताकि जो फायदा बाकी प्रदेशों में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो डबल इंजन की सरकार लग के वहाँ पर फायदे हो रहे हैं वो उड़ीसा में भी हो पाए। नहीं तो ये हो जाता है बहुत बार कि नरेंद्र मोदी सरकार की जो बहुत अच्छी योजनाएँ हैं बहुत अच्छा काम है वो कहीं ना कहीं दूसरी सरकार है तो उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को इसको फ़ायदा मिल जाएगा या जो भी रीजंस हैं उस कारण वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं और उससे प्रदेशों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अगर केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों जगह हो तो उससे ये फ़ायदा होता है एक तो साथ में जो एक साथ दो पहिए चलते हैं जैसे गाड़ी चलती है अगर दो पहिए एक साथ चलेंगे तो वो गाड़ी अच्छी चलती है लेकिन अगर एक पहिया ज़्यादा चलेगा एक कम चलेगा या एक पहिया इधर जाएगा एक पहिया उधर जाएगा तो वो गाड़ी अच्छे से नहीं चल पाएगी। सो कहीं ना कहीं राजनीतिक मजबूरियों के कारण जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं प्रदेशों में वहाँ वहाँ लोग बचते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार की सारी योजनाएँ अगर आपने स्टेट में ला दी तो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो जाएगा उस कारण वो योजनाएँ प्रदेशों में नहीं लाते। तो इसलिए उड़ीसा को अभी फिर से मौका मिलेगा बहुत जल्द कि वो प्रधानमंत्री जी को भी चुने और प्रदेश में भी एक बीजेपी की स्ट्रांग सरकार चुने ताकि उड़ीसा भी जो पीछे रह गया है बाकी देश में जैसे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया बीजेपी की सरकार चल रही है नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जाएंगे तो बहुत बढ़िया सरकार है नॉर्थ ईस्ट जहाँ पर बीजेपी की सरकार बनना लोग नहीं मानते थे कि बन पाएंगी लेकिन सरकारें बनी भी हैं और रोड से लेके आप कोई भी चीज़ देख लीजिए एकदम बहुत बढ़िया से काम चल रहा है। तो हमारी इच्छा है कि वो काम क्यों ना आप लोगों को भी मिले क्योंकि आप उड़ीसा में रहते हैं और यहाँ के जो सब लोग हैं उनको भी मिले। मैं कल उड़ीसा में घूम रहा था तो बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी जो केंद्र सरकार लेके आई है लेकिन उड़ीसा में अभी तक नहीं पहुँच पाई है और उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जिसको टॉप स्टेट्स में होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इतनी खनिज संपदा है मिनरल्स हैं बाकी चीज़ें हैं कोस्टल एरियाज़ हैं लेकिन वो होने के कारण भी अभी उड़ीसा में इतनी गरीबी है और बाकी चीज़ें हैं। तो ये सब लोगों को सोचना चाहिए कि आपको क्या गरीबी से बाहर आके भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना है
या गरीबी में रह के ही जो सरकार ऐसी योजना बनाती है जो सिर्फ गरीबों के लिए हो ताकि जनता गरीब ही रहे और वो योजना दे के उनको वोट देती रहे, क्या उनके साथ चलना है? तो इसके ऊपर हम कैसे सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव बिल्ड कर पाएँ, कैसे लोगों को बता पाएँ जो डिफरेंस है कि उड़ीसा में क्या नहीं है और जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर क्या क्या है, चाहे गुजरात हो या बाकी जगह जहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कई सालों से डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारा वोट लेती आ रही है। तो वो सोशल मीडिया के जो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स हैं, आप आज तो आप मीडिया वाले भी बहुत सारा आपका कंटेंट जो है वो टीवी पे जाने से पहले सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है, हर किसी का एक यूट्यूब चैनल है, हर कोई फेसबुक पे है, आप सब लोगों में से भी बहुत लोग खुद लाइव जाते होंगे। तो सोशल मीडिया का एक स्वरूप जो 2014 या उससे पहले था वो बदल चुका है, तो अब जो बदला हुआ नया स्वरूप है उस पर कैसे नैरेटिव बिल्ड किया जाए, कैसे लोगों तक पहुंचा जाए, उस सब चीज़ों पे हम अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। कुछ चीज़ें हम उनको सिखाएंगे और बहुत सारी चीज़ें हम उनसे सीख के जाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है जो प्रतिदिन बदल रहा है। आप किसी भी व्यक्ति से मिले वो सोशल मीडिया का एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आप दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं वो कुछ और नई चीज़ बता देता है। और आप देख रहे हो कि बहुत सारे समय से ऐसा होता आ रहा है कि कोई भी एक नई चीज़ शुरू होती है एक बहुत छोटी सी जगह से और वायरल होकर बहुत बड़ी बन जाती है और उसी चीज़ पर ट्रेंड चलता है। तो ये सब चीज़ों पर हम बात करेंगे और मेरा विश्वास है कि इस बार हम तेजस्वी जी के नेतृत्व में, युवा मोर्चा यहाँ प्रदेश में, राजेश जी के नेतृत्व में, हम ये इंश्योर करेंगे कि फिर से मोदी जी तो सत्ता में वापस आए ही आए, वो तो आप सब लोग भी जानते हैं, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि मोदी जी दोबारा सत्ता में आ रहे हैं। लेकिन इस बार एक नया बदलाव हुआ कि केंद्र की सरकार के साथ साथ प्रदेश में भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं और उसकी हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।